हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी खेल मनोविज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, देखिए जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, यूपीटी, जेटी, पीजीटी, यूपीआईटी, केवीएस, एमवीएस एंड अदर स्टेट, चाहे एमपी हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, किसी भी स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे जो फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस होता है वो सभी जगह एक सेम ही होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप एक जगह से सभी प्रदेश के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो उस सभी को देखते हुए मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज, थ्योरेटिकल टॉपिक एक बाई एक एक करके मैंने पूरा कर दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसी से संबंधित चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन भी हैं एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज सॉल्व कराए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली बाह्य उत्तेजक शक्तियों अथवा परिस्थितियों को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाली वह उत्तेजक है, शक्ति है अथवा परिस्थिति है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो पर्यावरण के नाम से। नेक्स्ट है, माता पिता तथा पूर्वजों से गर्भाधान के समय शुक्राणुओं एवं रजकणों के माध्यम से बालक को प्राप्त शारीरिक एवं मानसिक गुणों को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वंशानुक्रम। नेक्स्ट है, इस सक्रिय प्रक्रिया के कारण बालक की शारीरिक क्षमता, संरचना तथा मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, तो वो होती है परिपक्वता के कारण। नेक्स्ट है, एक छोटा बच्चा इस तत्व की कमी से साइकिल नहीं चला पाता, तो परिपक्वता की कमी के कारण, उसके अंग जो है, दिमाग अंग दोनों विकसित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, जन्म के पश्चात जिस प्रक्रिया के माध्यम से अनुवांशिकता सक्रिय रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम जीन्स यानी क्रोमोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक्स प्लस वाई आकार के गुणसूत्र का परिणाम क्या होता है? तो उसका परिणाम होता है लड़का। एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र मिलने पर लड़के की जन्म होता है एंड एक्स एक्स के मिलने पर लड़की का जन्म होता है। पुरुषों में एक्स वाई एंड महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और एक कुल 26 जोड़े होते हैं, एक कुल 23 जोड़े होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े आपके सेम विभाजन करते हैं और जो तीसरा जोड़ी होता है वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो एक नया जीवन देने का काम करता है। नेक्स्ट है, मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवाहन कौन करता है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न क्षमताओं का संवाहन करता है जीन्स। नेक्स्ट है, गर्भाधान के समय पुरुष एवं स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करती हैं? तो जायगोट का निर्माण करती हैं, जिसे हम भ्रूण भी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति शक्ति किस कारक से संबंधित है? तो यह वंशानुक्रम से संबंधित है। जैसे कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है? वंशानुक्रम और वातावरण यानी प्रकृति और पोषण। प्रकृति शक्ति वंशानुक्रम को कहा गया है और वातावरण को पोषण शक्ति कहा गया है, ये ध्यान में रखिएगा। यानी नेचर और नर्चर, प्रकृति को नेचर यानी वंशानुक्रम को नेचर कहा गया है यानी प्रकृति कहा गया है, और पोषण कहा गया है वातावरण को, इन्वायरमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। जैसे कि आप मनोविज्ञान वाले वीडियोज को देख करके एक एक चीज डिटेल में जान सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, उसके बाद आधुनिक समय में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये हर बार आता है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो
वर्तमान में किसका अध्ययन करता है? व्यवहार का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? तो दोस्तों मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया 19वीं सदी के मध्य में, जैसे कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया 16वीं शताब्दी में, जिसमें अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट आदि थे, सुकरात। और मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया 17वीं शताब्दी में, जिसमें मुख्य रूप से पेम्बोलॉजी थे। एंड चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में, जिसमें विलियम वुन, विलियम जेम्स आदि थे। और व्यवहार का विज्ञान कहा गया 20वीं शताब्दी में, जिसमें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वाटसन को, ठीक है, जिसके अंतर्गत वाटसन, बोरवर्थ, स्किनर, थार्नडाइक, मैकडूगल आदि आते हैं। और वाटसन ने मनोविज्ञान को शुद्ध मनोविज्ञान कहा है या निश्चित मनोविज्ञान कहा है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा खोया, उसके पश्चात मन, उसके पश्चात क्या खोया? तो सबसे पहले इसने आत्मा खोया, फिर मन खोया, फिर चेतना खोया। क्या खोया? चेतना। इसके बाद वो व्यवहार पे आके अटका हुआ है वर्तमान में। तो वर्तमान में किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान, व्यवहार का। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है दर्शन शास्त्र से, फिलोसॉफी से। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो मनोविज्ञान मानव पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? तो आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो यह एक सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। समाज ही तो व्यवहार को निर्धारित करता है, तो एक कहता है एक सामाजिक विज्ञान है। नेक्स्ट है, विज्ञान का प्रारंभ किससे होता है? तो विज्ञान का प्रारंभ होता है निरीक्षण से। नेक्स्ट है, बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो यह विकासात्मक मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मनोविज्ञान की मुख्य कितनी शाखाएं हैं? तो मनोविज्ञान की मुख्यतः 10 शाखाएं हैं। यहां पे 20 दे दिया है, होगा तो आपका 10 शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं? सामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, व्यक्ति मनोविज्ञान, सामाजिक, असाधारण, शारीरिक, परीक्षात्मक, पशु, परा और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। उसमें से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की 4 शाखाएं हैं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान आता है। नेक्स्ट है, अरस्तु मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे? तो अरस्तु मनोविज्ञान को मन का विज्ञान मानते थे। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? तो वो है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। जैसा कि दोस्तों मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं विलियम वुन, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता भी कहे जाते हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान के पिता यानी जनक कहे जाते हैं विलियम जेम्स, और खेल मनोविज्ञान के पिता है कोलमैन ग्रिफिथ, शिक्षा मनोविज्ञान के पिता है थार्नडाइक, व्यवहारवाद की जन्म जाता है वाटसन, ठीक है। अकलेश्वरी शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किया प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीक के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना है? तो ग्रीक के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन माना है। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुन ने कब की थी? तो विलियम वुन ने 1879 ईस्वी में किया था। कब? 1879 ईस्वी में, यहां पे 1875 दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहां हुई थी? तो यह हुई थी लीपजिग जर्मनी में 1879 ईस्वी में, जर्मनी के लीपजिग शहर में। नेक्स्ट है, बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो वह विकासात्मक मनोविज्ञान की शाखा में किया जाता है। नेक्स्ट है, जनपदों
अथवा परीक्षण केंद्रों को विभिन्न संकेत प्रदान करने के लिए किस मापनी का प्रयोग किया जाता है? तो यह वर्गीकरण मापनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है? तो खेल मनोविज्ञान को एक व्यवहारिक मनोविज्ञान कहा है क्लार्क एवं क्लार्क ने। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? तो यह कहा है के एम बर्न्स ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्लार्क एवं क्लार्क का परिभाषा है के एम बर्न्स का भी, तो दोनों याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इसके थ्योरेटिकल पार्ट करने के लिए आप खेल मनोविज्ञान वाले प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आपको सभी क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद उसका एमसीक्यू भी देख सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ आपको मटेरियल दिया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।